पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक ऐसी कैंटिलीवर बीम के लिए SFD और BMD बनाया था जिस पर ऑलरेडी कपल लगे हों। इस वीडियो लेक्चर में हम एक सिंपली सपोर्टिव बीम को कंसीडर करेंगे जिस पर ऑलरेडी कपल लगे हैं। सो यहाँ हमें ये बीम गिवन है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम जिस पर एक UDL, एक पॉइंट लोड और दो कपल यहाँ इसके एंड्स पर लगे हुए हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हमें यहाँ रिएक्शन पता होनी चाहिए इस बीम के लिए। तो एक रिएक्शन यहाँ पर डेवलप होगी RA और दूसरी रिएक्शन यहाँ दूसरी सपोर्ट पर RB। रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं साम्यावस्था समीकरण, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, सिग्मा V बराबर 0, सिग्मा H बराबर 0 एंड सिग्मा M बराबर 0, इन तीनों का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही यूज़ करेंगे और रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। इसी तरीके से आप रिएक्शन कैलकुलेट करते हो किसी भी बीम में। तो सबसे पहले हम सिग्मा वी बराबर 0 करके रिएक्शन निकालते हैं। तो सिग्मा वी बराबर 0 मतलब होता है कि इस बीम में जितने भी वर्टिकल फोर्स हैं उन सभी का एल्जेब्रिक सम 0 है। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल वर्टिकल फोर्स, तो टोटल अपवर्ड फोर्स, सॉरी, तो टोटल अपवर्ड फोर्स कितने हैं, RA प्लस RB। अपवर्ड फोर्स कितने हैं, RA प्लस RB। ये बराबर हैं किसके, टोटल डाउनवर्ड फोर्स के। डाउनवर्ड फोर्स कितना है, 120 किलो न्यूटन है और ये UDL है, प्लस UDL की वैल्यू कितनी है, 7.5 किलो न्यूटन पर मीटर है, यानी एक मीटर पर 7.5 किलो न्यूटन है, जबकि लगा हुआ है 10 मीटर पर। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 10। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 120 प्लस 75, तो ये आ गया हमारे पास 195 किलो न्यूटन। ठीक है, RA प्लस RB इन दोनों की जो वैल्यू है ये आ गई हमारे पास। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, क्योंकि जो अज्ञात वैल्यू है वो दो हैं और इक्वेशन एक है, तो यहाँ पर दूसरी इक्वेशन हमें निकालनी पड़ेगी। दूसरी इक्वेशन हम लाते हैं सिग्मा एम बराबर 0 से। हम किसी एक पॉइंट पर मूवमेंट निकाल देते हैं, जैसे ए पर मैं मूवमेंट निकाल देता हूँ, टेकी मूवमेंट अबाउट ए। ठीक है, इस पर हम मूवमेंट की वैल्यू 0 दिखा देते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि इस पर क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किस किस से आने हैं, ये आरबी, आरबी का मूवमेंट कितना होगा, फोर्स, तो आरबी है इनटू ए से आरबी की दूरी कितनी है, 10, 5 और 5 यानी 20। ये एक ऑलरेडी यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज लगा हुआ है, तो हम इसको इसी साइड जोड़ देंगे। ओके, ये क्लॉकवाइज है और ये जो लोड्स हैं ये भी क्लॉकवाइज लाएंगे, तो इनको सभी को एक साइड रखेंगे बराबर। ये कितना है यहाँ पर मूवमेंट, फ्रेंड्स मूवमेंट में डिस्टेंस की मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि ये ऑलरेडी मूवमेंट है। ठीक है, तो इसमें डिस्टेंस की मल्टीप्लाई नहीं होती। अब इस UDL का इस A पर मूवमेंट कितना होगा, प्लस UDL की वैल्यू कितनी है, 7.5 इंटू 10, टोटल UDL की वैल्यू है 7.5 इंटू 10 यानी 75। इस 75 की A से दूरी कितनी है, 5 और 5 ये तो है, ये यहाँ पर 10 और प्लस, फ्रेंड्स मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है कि UDL जितनी दूरी पर लगा होता है उसकी डिस्टेंस उसके मिडिल से ली जाती है, तो मिडिल से का मतलब हो जाएगा 10/2 यानी 5। ओके, और प्लस 120 इंटू 5। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से RB की वैल्यू निकालते हैं जो आएगी 79.5 किलो न्यूटन। ठीक है, RB 79.5 किलो न्यूटन और RA यहाँ पर आएगा 115.5। 195 में से माइनस करेंगे, RA इज इक्वल टू 195 माइनस RB, तो ये हमारे पास दोनों रिएक्शंस की वैल्यू आ गई। ये है हमारे पास 115.5 और ये है 79.5 किलो न्यूटन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हर एक पॉइंट पर शियर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर सीक्वेंस से करते हैं, हम बीम के एक साइड से चलते हैं, तो हम चलते हैं मान लो राइट साइड से। राइट साइड की कन्वेंशन आप लोगों को याद होगी, ठीक है, अपवर्ड प्लस और डाउनवर्ड माइनस। अगर राइट से चलते हैं तो शियर फोर्स में
जो भी डाउनवर्ड फोर्स होगा वो माइनस होगा और जो भी अपवर्ड फोर्स होगा वो प्लस कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ बी से हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, शियर फोर्स बिफोर बी कैलकुलेट करते हैं। ओके, शियर फोर्स बिफोर बी, बी से पहले कोई भी फोर्स नहीं है इसलिए शियर फोर्स भी ज़ीरो। शियर फोर्स आफ्टर बी, ठीक है, आफ्टर बी फ्रेंड्स मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, आफ्टर बी का मतलब है उससे पहले कितने होंगे और उस पॉइंट पर कितने फोर्स होंगे उनका एल्जेब्रिक सम। आफ्टर में आपको आफ्टर में नहीं चले जाना है, ठीक है। तो आफ्टर बी मीन्स यहाँ पर पहले तो जीरो थे, इस बी पॉइंट पर कपल लगा हुआ है, फोर्स में कपल का कंसिडर नहीं किया जाता, और ये आर बी लगा हुआ है तो आर बी अपवर्ड है इसलिए आर बी की वैल्यू कितनी है 79.5 प्लस आ जाएगा। यू डी एल भी लगा हुआ है क्योंकि आप पॉइंट की बात कर रहे हो तो यू डी एल जो पॉइंट पर होगा, क्योंकि यहाँ जब आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो लोड भी ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर यू डी एल की वैल्यू कितनी हो गई ज़ीरो, तो ओनली आर बी बचता है 79.5। ओके, इसके बाद डी पर कैलकुलेट करते हैं, शियर फोर्स बिफोर डी। बिफोर डी यहाँ पर ये जितने भी फोर्स हैं इधर लगे हुए वो सब कंसिडर होंगे, यानी 79.5 अपवर्ड है इसलिए प्लस, और ये यू डी एल माइनस डाउनवर्ड है, यू डी एल की वैल्यू हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं 7.5 × 10, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.5 kN। ओके, इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं सी पर, या पहले यहाँ आफ्टर डी हम निकालते हैं, आफ्टर डी में भी उतना ही रहेगा फ्रेंड्स। ओके, नाउ अब हम कैलकुलेट करते हैं सी एफ फोर्स बिफोर सी, सी से पहले, सी और डी के बीच में कोई भी लोड या ऐड नहीं हुआ है तो उतना ही रहेगा 4.5 kN। नाउ हम कैलकुलेट करते हैं सी एफ फोर्स आफ्टर सी। ओके, आफ्टर सी में, आफ्टर सी में ये 120 भी कंसिडर हो जाएगा, तो पहले था 4.5 और अब लगा हुआ है -120। माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये डाउनवर्ड है, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, आप इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये 115.5 आ रहा होगा, ठीक है, और माइनस का किलो न्यूटन, ठीक है, वैल्यू क्या होगी इसकी माइनस में क्योंकि डाउनवर्ड है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सीआर फोर्स बिफोर ए, पॉइंट ए और सी के बीच कोई लोड यहाँ पर ऐड नहीं हुआ है इसलिए उतना ही रहेगा जितना आफ्टर सी था। आफ्टर ए की बात करें तो आफ्टर ए में ये यहाँ पर जो आर ए है ये भी ऐड हो जाएगा -115.5 प्लस, क्योंकि ये अपवर्ड है आर ए तो प्लस लेंगे 115.5, तो ये आ गया ज़ीरो, ठीक है। सी एफ फोर्स हमने हर एक पॉइंट पर कैलकुलेट कर लिया है, अब हम बात करेंगे बेंडिंग मोमेंट की। कैलकुलेट करते हैं बी पर, देखो बी पर ऑलरेडी एक मोमेंट लगा हुआ है तो बी पर दो स्टेप में बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट होगा बिफोर बी। बेंडिंग मोमेंट बिफोर बी, बिफोर बी मतलब आप राइट साइड में इसके जो भी फोर्स लगे हुए हैं उनसे मोमेंट निकालेंगे और राइट में कोई भी फोर्स नहीं है तो इसलिए ज़ीरो। आफ्टर बी की अगर बात करेंगे तो आफ्टर बी में जो यहाँ पर मोमेंट लगा हुआ है उसको कंसिडर किया जाएगा फ्रेंड्स, जो इस पॉइंट पर लोड लगे हुए हैं उनका मोमेंट ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि दूरी ज़ीरो हो गई है ना, तो यहाँ पर ऑलरेडी जो मोमेंट लगा हुआ है यही रहेगा सिर्फ कितना 282.5, और ये किस तरह का है, किस डायरेक्शन का है, क्लॉकवाइज है इसलिए इसको माइनस लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि राइट साइड से जब हम चलते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्लस कंसिडर करते हैं, क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस। हो सकता है आपकी बुक में जो आप बुक पढ़ रहे हो वो साइन कन्वेंशन अलग है तो वो भी सही है और ये भी सही है, तो आप उस साइन कन्वेंशन से भी चल सकते, ठीक है। इसके बाद यहाँ हम डी और बी के बीच में एक पॉइंट मान लेंगे फ्रेंड्स, मान लेते हैं ये पॉइंट यहाँ पर है हमारे पास ई पॉइंट। ये पॉइंट क्यों माना, क्योंकि डी और बी के बीच में जो डायग्राम आएगा वो पैराबोलिक आएगा। क्यों आएगा पैराबोलिक, क्योंकि इसके लिए जो इक्वेशन आती है वो स्क्वायर में आती है, तो इसलिए वो जो डायग्राम आएगा वो पैराबोलिक आएगा, और इसके बारे में हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ जब हमें डी और बी के बीच में पैराबोलिक डायग्राम आएगा तो पैराबोला ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए, क्यों नहीं बता पाओगे 2 पॉइंट के बीच के पैराबोला जाएगा कैसे, कहाँ किस पाथ से, तो तीसरा पॉइंट ज़रूर चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर ई कंसीडर किया है। शियर फोर्स में नहीं किया था क्योंकि यू डी एल के लिए शियर फोर्स डायग्राम स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन होता है और स्ट्रेट लाइन के लिए आपको सिर्फ 2 ही पॉइंट पता होने चाहिए, इसलिए वहाँ पर हमने कंसीडर नहीं किया था इस ई को,
तो हम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट ई मोमेंट निकालेंगे तो ई पर राइट साइड में जितने भी फोर्स या मोमेंट लगे होंगे वो सभी कंसिडर करेंगे। तो आर बी का पहले देखते हैं, आर बी की वैल्यू है हमारे पास 79.5, ये तो फोर्स की वैल्यू है इनटू इस आर बी की, ई से दूरी कितनी है मिडिल में माना है तो 10 का हाफ यानी 5, क्योंकि एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट लाएगा इसलिए प्लस, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं इस यू डी एल को, ये यू डी एल क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूवमेंट लाएगा इसलिए माइनस लगा दिया मैंने पहले ही यहाँ पर। यू डी एल की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, हमें सिर्फ इतना यू डी एल चाहिए, ये टोटल 7.5 इंटू 10 यानी 75 था तो इसका हाफ चाहिए हमें, है ना, तो 75/2 ये यू डी एल है इंटू इस यू डी एल की इस ई पॉइंट से दूरी कितनी है, मैंने बताया यू डी एल जितनी दूरी में लगा होता है उसके हाफ से दूरी ली जाती है यानी 5 का भी हाफ हो जाएगा 5/2, ठीक है। और ये ऑलरेडी एक मोमेंट लगा हुआ है, ये भी क्लॉक वाइज मोमेंट है इसलिए 282.5, इसमें डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करनी है। तो आप इसको जब कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये आंसर आया फ्रेंड्स 21.25 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, ई पर मोमेंट। इसके बाद डी पर मोमेंट निकालते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट डी, डी पर मोमेंट कितना होगा, आर बी से कितना आएगा, फोर से 79.5 इंटू इस आर बी की दूरी कितनी है 10, क्योंकि एंटी क्लॉक वाइज इसलिए प्लस, माइनस 282.5 जो एक मोमेंट यहाँ पर लगा हुआ है, और माइनस इस यू डी एल की वजह से कितना आएगा, इस बार जो लोड है ये यू डी एल टोटल कंसिडर होगा यानी 75, इस 75 की दूरी कितनी है डी से, तो जितनी दूरी में लगा उसका हाफ इंटू 5, 10 मीटर में लगा था उसका हाफ 5, ठीक है। सो इसको क्या ये आ रहा है 137.5 किलो न्यूटन मीटर, ओके। इसके बाद सी पर कैलकुलेट करते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट सी, सी पर मोमेंट आर बी से कितना आएगा, 79.5 इंटू इस आर बी की सी से दूरी कितनी है 5 और 10 15, ठीक है, माइनस यू डी एल, यू डी एल की वैल्यू कितनी है 75 इंटू 75 की सी से डिस्टेंस कितनी है 5, ये तो 5 तो रहेगा ही रहेगा और प्लस जितनी दूरी में लगा उसका हाफ यानी 5, ओके, एंड 282.5, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट 160, तो ये आ रहा है 160 किलो न्यूटन मीटर। इसके बाद ए पर, तो ए पर क्योंकि ऑलरेडी मूवमेंट लगा हुआ है तो यहाँ बिफोर आफ्टर करके निकालना होगा, बिफोर ए, बिफोर ए में आर बी से आएगा 79.5 इंटू डिस्टेंस कितनी है 20, माइनस यू डी एल से, यू डी एल की वैल्यू है 75 इंटू इसकी दूरी कितनी होगी 10 प्लस जितनी दूरी में लगा उसका हाफ, ये 10 प्लस 10/2, ठीक है, और माइनस 120 से कितना आएगा, 120 इंटू डिस्टेंस कितनी है 5, माइनस ये जो लगा हुआ है 282.5, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है माइनस 417.5 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। जब हम बेंडिंग मोमेंट आफ्टर ए निकालेंगे तो आफ्टर ए में पहले कितना था, माइनस 417.5 फोर 17.5 और प्लस ये एंटी क्लॉकवाइज लगा हुआ है मोमेंट कितना 417.5, तो कितना हो गया 0। सो इस बीम के लिए हमने शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकाल ली। अब हम यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं इसका, ये शियर फोर्स के लिए, शियर फोर्स डायग्राम के लिए डैटम लाइन रहेगा, और जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था आपको स्केल माननी होगी शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के लिए, तो इसमें भी आप स्केल मान लें, क्योंकि जो डायग्राम ड्रॉ करते हैं वो मिलीमीटर या सेंटीमीटर में ड्रॉ होगा और वैल्यू हमारे पास किलो न्यूटन एंड किलो न्यूटन इंटू मीटर में है, तो इसको स्केल मान करके पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद प्लॉट करते हैं। आप विदाउट स्केल भी प्लॉट कर सकते हैं लेकिन उसमें फिर आपको ध्यान रखना होगा कौन सा पॉइंट नीचे और कौन सा ऊपर आएगा, ठीक है। इसके चलो हम यहाँ पर अब शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। बी, बी पर पहले 0 बाद में 79.5 प्लस का था, तो पहले 0 बाद में 79.5 मान लो यहाँ पर आ गए, ठीक है। डी पर, जो डी पॉइंट है पहले 4.5 था, आफ्टर में भी 4.5 है, तो पहले 4.5 आफ्टर में भी 4.5, इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये वैल्यू है 79.5 और यहाँ पर है 4.5, ओके। सी पर, जो पॉइंट सी है उस पर पहले 4.5 है यानी इसके जस्ट सामने,
और आफ्टर में -115 है, तो -115 तो डाउनवर्ड जाएंगे 115.5, ये 115.5। ओके, ए पर पहले -115.5 यानी इसके जस्ट सामने ए पॉइंट पर, और बाद में जीरो, तो बाद में जीरो हो गया। ठीक है, तो ये डायग्राम हमारे पास इस बीम के लिए SFD डायग्राम है। BMD डायग्राम के लिए यहां पर डेटम लाइन ड्रॉ करेंगे। बेंडिंग मोमेंट एट बी पहले जीरो बाद में -282.5, तो पहले जीरो बी पर और बाद में 282 पॉइंट है, तो यहां से नीचे आ गए। मान लो ये यहां से यहां तक की जो वैल्यू है 282.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर है। ओके, इसके बाद ई पर जो मोमेंट है ये 21.25 है प्लस में। ठीक है, तो ई पॉइंट को हम लोकेट करते हैं नीचे, और इस पर जो मोमेंट है 21, मान लो यहाँ पर 21.25 है। ठीक है, इसके बाद डी पर देखते हैं, डी पर मोमेंट कितना है 137.5, तो 137 मान लो यहाँ पर है। ये जो तीनों पॉइंट हैं फ्रेंड्स, ये कैसे मिलेंगे? पैराबोलिक। कैसे पता लगा? देखो, डी और बी के बीच में जो लोड है वो UDL है, और UDL के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आता है पैराबोलिक। तो तीनों पॉइंट जो मिलेंगे वो पैराबोलिक मिलेंगे कुछ इस तरीके से। ओके, इसके बाद सी पर हमने बेंडिंग मोमेंट निकाला था, 160 आया था, ये 137.5 है, और ये यहाँ पर 21.25 है, और ये यहाँ पर 282.5 है। ओके, सी पर हमने यहाँ पर निकाला 160, तो 160 यहाँ पर। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक कोई भी UDL नहीं है बीम पर, तो इसलिए जो डायग्राम आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसके बाद फिर हमने यहाँ पर ए पर निकाला, ए पर बिफोर में -417। ठीक है, तो -417 मान लो यहाँ पर है ए पॉइंट पर, यहाँ से जीरो से पढ़ेंगे 417.5, ये जो यहाँ से यहाँ तक लाइन आएगी वो आएगी स्ट्रेट। ठीक है, और उसके बाद कितना हो जाता है? उसके बाद हो जाता है जीरो, तो यहाँ से यहाँ तक जीरो। तो ये जो डायग्राम है हमारे पास, ये है हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस बीम के लिए। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।